आज ई नाम पर पीओपी यानी प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं माननीय कृषि राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे व माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया व रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खूबा की उपस्थिति में किया जा रहा है। हमने एक किसानों के लिए मंडी ईनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है, अब वो मजबूर नहीं होगा। देश भर की 1260 मंडियां, 1,73,00,000 लाभान्वित किसान, 2,25,00,000 से भी अधिक व्यापारी, आज ई नाम के 6 वर्षों की सफलता की कहानी कह रहे हैं। और आज ई नाम की कामयाबी में प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की कृषि विपणन व्यवस्था में पीओपी एक क्रांतिकारी कदम होगा, जो किसान भाई बहनों, व्यापारियों, उद्यमियों व कृषि से जुड़े लोगों के लिए एक ऐसा मंच होगा जो डिजिटलाइजेशन के जरिए अलग अलग सेवाओं के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, जहां किसानों व एफपीओ को अपने कृषि कार्य के लिए मंडियां तो मिलेंगी ही, साथ ही वे अन्य राज्यों के व्यापारियों और खरीदारों को अपनी उपज आसानी से बेच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये अपनी फसल की गुणवत्ता की जांच के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग भी कर पाएंगे। इम्पैनल सर्विस प्रोवाइडर्स से नए वेयर हाउसेस के बारे में पता चल सकेगा और इस सिंगल विंडो सिस्टम की लॉजिस्टिक सर्विसेज से किसानों को सस्ते व बेहतर विकल्पों के जरिए कृषि उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन सुगम भी होगा और सस्ता भी। पीओपी फिनटेक यानी बैंकिंग सर्विसेज द्वारा क्रेडिट व ट्रेड फाइनेंस जैसी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे, जिससे किसानों को पेमेंट के लिए जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ई नाम पर 41 इम्पैनल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ लॉन्च होने वाली प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स कहानी है। तकनीक की ताकत से कम होती किसान की लागत की, व्यापारियों को मिलने वाली राहत की और सशक्त आत्मनिर्भर होते भारत की।